talking about Suvarna Suchyakaras and Chandraprabhavati, and I would like to explain the Samprapti and the philosophy of Ayurveda, Ayurvedic science regarding this Amla Pitta and Prameha and related to various diseases, disorders, where to use these both drugs. So, जो हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया है वही मैं आपको आगे पास कर रहा हूं। शुक्र शोणित युव संयोगे खलु कुक्षिगते गर्व संज्ञा शुक्र शोणितम गर्भाशस्तम आत्म प्रकृति विकार समोर्चितम। इस प्रकार का श्लोक हमने फर्स्ट ईयर में यूजी में ही सीखा था। उसमें शुक्र और शोणित का जीव संयोग होते समय, उस समय जो ऋतु है, जो काल है, माता पिता की प्रकृति है, उसके हिसाब से उस बालक की प्रकृति का डिसीजन ये नेचर द्वारा लिया जाता है, माता के गर्भाशय। तो उसकी वजह से जिस समय उस गर्भ का उस समय जिस उस बच्चे के या उस बालक के गर्भाशय में, गर्भावस्था में बालक की प्रकृति का डिसीजन उसी समय लिया जाता है जब शुक्र शोणित का जीव संयोग होता है। माता पिता की प्रकृति उस समय, ऋतु का, ऋतु जो कौन सा शुरू है उस समय का, उत्कटता कौन से दोष के, उसके हिसाब से वो बालक की प्रकृति का डिसीजन होता है। और उस डिसीजन के बाद में वो बालक अपने माता द्वारा कई लक्ष्य, कई कई रस के पदार्थों की अपेक्षा माता द्वारा व्यक्त करता है, उसे हम लोग दौरुत कहते हैं। इस दौरुत क्या, इस दौरुत की पूर्तता ये करने का काम माता के सेवन से होना चाहिए, जो कि बालक का उस प्रकृति के स्वरूप जो पोषण है, जिस दोष की उत्कटता है, उस दोष का पोषण होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो पोषण हुआ नहीं तो उस दोष में सदैव आतुरता रहती है उस पर्टिकुलर दोष के बारे में, और उससे रिलेटेड जो व्याधियां रहती है वो उस बालक को अपने पूरे लाइफ लॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग उन चीजों को सफर करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से अगर बालक का, बालक के गर्भाशय में होते ही शुक्र शनि जीव संयोग के समय अगर पित्त प्रकृति का डिसीजन लिया है तो बालक कटु रसात्मक द्रव्यों का सेवन करने की इच्छा माता द्वारा व्यक्त करता है। अभी कटु रसात्मक द्रव्यों की सेवन की अगर माता द्वारा व्यक्तता हो गई तो माता इच्छा ये व्यक्त करती कि मुझे तीखा खाना है, कटु रसात्मक आहार का मुझे सेवन करना है। लेकिन कटु रसात्मक आहार तो कोई गर्भवती स्त्री को तो कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि कटु रसात्मक आहार का सेवन करने की वजह से उस बालक का गर्भाशय में से अवमानन होने की शक्यता रहती है। इसका मतलब वो एबॉर्ट हो सकता है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करने की वजह से वो एबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो तीखे, लंका, लंका मतलब मिर्ची, मिर्च ऐसे पदार्थों का अगर सेवन माता व्यक्त करेगी तो वो अगर, और उसने उसका अगर सेवन भी कर लिया तो बट नेचुरल उसका एबॉर्शन होने का चांस रहता है, एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। हम उसे कहते हैं उसका अवमानन होने की शक्यता रही। तो अगर ऐसी चीज है तो हम लोग वो पदार्थों को उसको देते नहीं, और अग्नि का पोषण ईंधन की सहायता से होता है। अगर आप कोई हवन कर रहे हैं तो उस हवन के समय हम समर्पयामी करते, वो घृत का करते या तेल का करते, तो उस अग्नि का पोषण करने की जो जिम्मेदारी रहती है वो जिम्मेदारी ईंधन की रहती है। तो अभी हम लोग कोई भी आहार, जब तक परतंत्र स्वरूप में वो बालक माता के गर्भाशय में है तब तक तो कोई बात नहीं है, क्योंकि माता द्वारा ही उसका पोषण होने वाला है। लेकिन जब आफ्टर डिलीवरी, उसकी प्रसूता, प्रसूति के बाद में जब बालक स्वतंत्र रूप से जब इस नेचर में, इस निसर्ग में आता है और स्वतंत्र रूप से कोई भी द्रव्यों का पचन करने की उसमें वो जो क्षमता आनी चाहिए, वो पर्टिकुलर रस के बारे में वो सदैव आतुर है, उस दोष के बारे में वो सदैव आतुर है।
अभी इसके बारे में हम सोचते समय आपके सामने हमने एक पीपीटी रखी है जिसमें अम्ल पित्त संप्राप्ति करके हमने लिखा है। उसमें पहले हम ये मेंशन करेंगे कि अविकृत कर्म सामर्थ्यता, मतलब नॉर्मल जो दोषों की उत्पत्ति है, नॉर्मल दोषों की उत्पत्ति अवस्थापक में होती है। जैसे कि मधुर अवस्थापक में कफ दोष की उत्पत्ति है, अम्ल अवस्थापक में पित्त दोष की उत्पत्ति है और कटु अवस्थापक में वात दोष की उत्पत्ति है। और ये जो दोष उत्पन्न होते अवस्थापक में उसमें अविकृत कर्म सामर्थ्य रहता है। इसके लिए इन दोषों को जो शरीर में तैयार हुए उनको हम दोष नहीं कहेंगे, उसको हम धातु कहेंगे, जो धारण शरीर का धारण करने का काम करते हैं। अभी सबसे पहले इन तीन ही अवस्था पाकों में बाकी के भी रसों को, जो आहार हमने सेवन किया उसको भी उसमें से उसको जाना है, उसमें से उन तीन ही अवस्था पाकों से में गुजरना है। लेकिन सबसे पहले जो अवस्था पाक रहता है वो है मधुर अवस्था पाक। इस मधुर अवस्था पाक का श्लोक यहाँ पे मेंशन किया है, अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् कफोद्भावात् तेन भूतो उदीयते। आहार सेवन करने के बाद में इस चीज को हम अविदग्ध अवस्था भी कहेंगे। अभी अगर कोई भी आहार का सेवन किया और उसमें मधुर रसात्मक आहार है तो उस मधुर रसात्मक आहार का अविकृत कर्म सामर्थ्य कपोदोष की उत्पत्ति के लिए उसमें पृथ्वी और जल महाभूत जो मधुर रस के निर्मिति में भाग लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उसमें पृथ्वी अग्नि और जल महाभूत अग्नि, इन दोनों द्रव्यों का पोषण गर्भावस्था में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर वो कंप्लीट हुआ है तो उसमें त्रीणि पंच दश सहस्त्राणि च 3015 कला, ये विहित समय में इनके ऊपर, ये मधुर रसात्मक द्रव्यों के ऊपर तेज महाभूत अग्नि, उसके ऊपर पृथ्वी अग्नि और जल महाभूत अग्नि का पोषण होता है और उसकी वजह से इस विहित समय में उसमें अविकृत कर्म सामर्थ्य मतलब नॉर्मल कफ दोष की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये कफ दोष शरीर के धारण करने का काम करता है, इसमें कोई विकृति उस शरीर में उत्पन्न नहीं करता। अभी इस मधुर अवस्था पाक के हो जाने के बाद में फिर उस पदार्थ को आगे दूसरा दूसरे इसमें स्थिति में जाना पड़ता है, दूसरे दूसरे अग्नि का संस्कार लेने के लिए जाना है, वो है तेज महाभूत अग्नि। तेज महाभूत अग्नि के बारे में जिस चीज को हम लोगों ने कहा है अम्ल अवस्था पाक, उसको हम विदग्ध अवस्था भी कहते हैं। उसका श्लोक आप ध्यान में रखें, परम तु पच्यमानस्य विदग्ध से अम्ल भावतः आशयाच्यो मानस्य पित्तमच्छम उदीर्यते। अगर तेज महाभूत अग्नि का पोषण अगर गर्भावस्था में ही पूरा किया है उसके दौरुत के हिसाब से, अगर बालक ने अपनी माता द्वारा अगर तीखा खाने की इच्छा उत्पन्न की, कटु रसात्मक आहार सेवन करने की इच्छा उत्पन्न की है, तो उसके तेज महाभूत अग्नि का पोषण और किसी माध्यम से, उस कल्प के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आप एक थोड़ा सा बेसिक फिलोसॉफी जरूर समझ लें दौरुत के बारे में, क्योंकि कोई भी व्याधि भी शरीर में उत्पन्न होती है उस उत्पन्न अवस्था का जो मूल कारण है वो दौरुत के यहाँ ही होता है। वे हर एक धातु का पोषण शुक्र शोणित जयसव के समय ही उसका पोषण होना बहुत जरूरी है। अभी इस विदग्ध अवस्था में कोई भी आहार जो तीखे प्रकार का जो कोई भी आहार है, कटु रसात्मक जो आहार है, उसका पोषण करने के लिए तेज महाभूत अग्नि का अगर पोषण अपूरा रहा है, पूरा नहीं हुआ है गर्भावस्था में, तो वो जो पदार्थ है वो अम्लावस्था पाक में जाता तो है, लेकिन उसका त्रीणी त्रीणी पंचदश सहस्त्राणि पर्टिकुलर समय में उसका अगर संस्कार पूरा नहीं हुआ है तो वो पदार्थ जो है शरीर में जो रस है वो अम्लो अम्ल ही रहता है। और इस प्रकार से वो दोष पित्त का दोष उत्पत्ति करने वाला था, जो शरीर के धारण के लिए या पाचन के लिए स्वतंत्र रूप में जब बालक इस संसार में आएगा, नेचर में आएगा, तो अगर उसका पोषण नहीं हुआ है तो उसकी वजह से वो जो पदार्थ है वो अम्ल का अम्ल ही रहता है और उसकी वजह से ये अम्ल पित्त जैसी व्याधि की उत्पत्ति हो। आपको मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताना है, लेकिन मधुर अवस्था पाक के बाद ये जो अम्ल अवस्था पाक है, ये अम्ल अवस्था पाक को जानना बहुत जरूरी था। तो हमने यहाँ क्या जाना, तेज महाभूत अग्नि का पोषण करना ये माता की जिम्मेदारी रहती है जब वो द्रवरूप स्वरूप में कटु रसात्मक आहार सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है या बालक उससे माता द्वारा व्यक्त करता है। अभी इस अम्ल पित्त इस व्याधि को डायरेक्टली किसी भी बृहत्त्रयी के ग्रंथ में डायरेक्टली किधर भी वर्णन नहीं किया है, क्योंकि प्रकृति स्वरूप व्याधि है। अगर आप द्रवरूप का पोषण ठीक से करते थे तो फिर ये व्याधि नहीं उत्पन्न होती थी। तो इस अम्ल पित्त व्याधि का जानबूझकर बृहत्त्रयी इस ग्रंथों में वर्णन नहीं किया है।
हाँ, लघुत्रय में उसका वर्णन जरूर है, लेकिन बृहत्रयी इस ग्रंथों में जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, इन संहिताओं में इसका कहीं भी वर्णन नहीं। तो हमें यहाँ पे इस ऐसी जो व्याधि या ऐसी जो कंडीशन है शरीर में, उस कंडीशन को अगर ट्रीट करना है तो हमने ये ध्यान में हमको रखना चाहिए कि तेज महाभूताग्नि का पोषण ये उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों से ही हो सकता है। तो इस उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों को इकट्ठा करके जो कल्प बनता है वो है सुवर्ण सूचक रस, योग रत्ना करके अम्ल पित्त अधिकार में इस कल्प का उल्लेख किया है। यहाँ पे तो हमने लिखा है कि श्रुत शेखर रस, लेकिन मूल ये जो कल्प है वो है सुवर्ण सूत शेखर रस, क्योंकि इसका सुवर्ण भस्म इसका कंटेंट है। तो इसके श्लोक के बारे में या उसके निर्मिति के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देनी है, लेकिन जिन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर लोगों ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जिनको करनी है, उसमें जो 20-25 कल्प हम लोग हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उसके उसके बारे में जानकारी के लिए अगर आपका श्लोक बाहर है तो बहुत अच्छा है। शुद्धम सुतम मृतम स्वर्णम कंकणम वत्सनाभकम व्योषम उन्मत्त बीजम च गंधकम ताम्र भस्मकम चातुर्जातम शंख भस्म बिल्व मज्जा कचोरकम सर्व समम क्षिपित कल्वे मर्द्यम भृंग रसर दिनम गुंजा मात्रा मुटिम कृत्वा द्विगुंजे मधु सर्पिषी भक्षेद अम्ल पित्तघ्नो वान्ति शूलामया पाह पंच गुल्मान पंच कासान ग्रहण्यामय नाशना त्रिदोष तति सारगना श्वास मंदाग्नि नाशना उग्र हिक्का मुदावर्तम देह याप्य गदापहा मंडलान अत्र संध्या सर्व रोगारा परा राजेश्वर साक्षात और संतुष्टि से करा। योग रत्नाकर का ये पाठ है, इसके कंटेंट है शुद्ध पारद शुद्ध गंधक सुवर्ण भस्म ताम्र भस्म शंख भस्म शुद्ध वत्सनाभ शुद्ध टंकण त्वक एला तेज पत्र नाग केसर मतलब हम जिसको चतुर्जात कहते हैं, शुंठी मरीच पिप्पली बिल्व मज्जा कचोरक शुद्ध धतुर बीज, ये घटक द्रव्यों का कितने प्रमाण में लेना है उसके बारे में, सभी द्रव्य जो है वो सम प्रमाण में है। अभी इसके इन कंटेंट के बारे में एक बार सोचेंगे कि सब द्रव्यों का जो वीर्य है वो सब उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, और अम्ल पित्त जैसी व्याधि में या जो पित्त की व्याधि है उसमें उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का उपयोग क्या है। हम लोग ये सोचते थे कि उसमें हम लोग प्रवाल पिष्ट यूज करेंगे या हम लोग उसमें मौक्तिक पिष्ट यूज करेंगे, सुवर्ण गैरिक यूज करेंगे, लेकिन ये सब उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य कैसे आएंगे, इसकी वजह से अम्ल पित्त तो बढ़ेगा तो नहीं। तो इसके बारे में सोचते समय हमें एक बात के बारे में हमको जरूर सोचना है, वो यह है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक इन दोनों द्रव्यों का जो कज्जली बंध है उसको यूज किया है। ये जो कज्जली बंध है हम किसी भी मेडिसिन यूज करते हैं, योगवाही द्रव्य करके यूज करेगा उपयोग में आएगी। उसके बाद में ये योगवाही द्रव्य जो है वो औषधि मात्र अल्प मात्र महावेगम बहुदोषरम सुखम लघु पाकम सुखम प्रीणनम व्याधि नाशक। तो अल्प मात्रा अगर किसी भी इन सब द्रव्यों को हमें दवा में यूज करना है तो उसकी औषधि मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट काढ़े और ये बहुत सारा मेडिसिन का सेवन करते हैं और उसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसकी वजह से उदर विशिष्ट व्याधियों में अन्नवसुद्धस की व्याधियों में योगवायु द्रव्य करके इस कज्जली को हम लोग यूज करते हैं, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली समप्रमाण कज्जली। उसके बाद सुवर्ण भस्म है, इस सुवर्ण भस्म का रोल तो इस व्याधि के जो इंडिकेशन है उस समय मैं आपको बताऊंगा। ताम्र भस्म है, शंख भस्म है जो पाचन में यहाँ पे यूज आएगा, शुद्ध वत्सनाभ है और टंकण है, जहां जहां पे वत्सनाभ है वहां वहां पे शुद्ध किया वत्सनाभ है वहां वहां पे हम लोग टंकण यूज करते हैं क्योंकि वो उसका एंटीडोट है, प्रतिबीज है। दालचीनी है तो एला कमालपत्र और नागकेसर, इन चार ही द्रव्यों दो चातुर्जात का हमने यहाँ पे उपयोग किया है। शुंठी आम पाचक है, मरी शुंठी मरीच पिप्पली दीपन पाचन का कार्य करेंगे, बिल्व मज्जा जो है जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में काम करेंगे, अतिसार जैसे लक्षण है, ग्रहणी जैसे लक्षण है, ऐसी व्याधियों में यहाँ पे ये कल्प हमें हम लोग यूज कर सकते हैं। कचोरोग जो है वो कचोरोग ये कंटेंट है वो मज्जा व श्रुतस में भी काम करेगा। मज्जा व श्रुतस के बारे में या मज्जा धातु के बारे में हमें क्यों सोचना है वो भी मैं बताता हूँ। और धत्तुर बीज है, शुद्ध धत्तुर बीज ये विषाक्त द्रव्य है, तो इस कल्प में हम लोगों ने दो विषाक्त द्रव्यों का उपयोग किया है।
अभी इसके इंडिविजुअल कंटेंट के बारे में, उसकी जो कार्मुक्त है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक जो है वो कैटलिस्ट है, योगवायी है। सुवर्ण भस्म का उपयोग इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, अभी इसमें राजक्ष्मा हरोसाक्षर करोसे मतो सूत्र से, हाँ ऐसा उल्लेख है। राजक्ष्मा राजक्ष्मा जैसी व्याधियों में, राजक्ष्मा जैसी व्याधि में इस किसी का माइक ऑन है तो सुवर्ण भस्म का उपयोग हम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का जो कोष्ठक यक्ष्मा करके जो व्याधि है उस कोष्ठक यक्ष्मा में हम लोग सुवर्ण भस्म यूज करते हैं। ताम्र भस्म जो है वो ताम्र भस्म पित्त के रेचन के लिए भी उपयोग में आता है। पित्त की वजह से उत्पन्न वाले कोलेलिथियासिस जैसी जितने भी पित्ताशयाश्मरी है उसमें भी ताम्र भस्म लेखन का काम करेगा, लेकिन उससे उसकी जो औषधि मात्रा है उस औषधि मात्रा को बहुत कम कम प्रमाण में रखना है। और इंडिविजुअल हम उस कंटेंट को नहीं यूज कर रहे हैं तो उसकी भस्म बना के हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, और उसकी औषधि मात्रा सिर्फ एक भाग मतलब पूरे कंटेंट से एक क्षण 3 ग्राम के आसपास उसकी मात्रा है, उससे ज्यादा नहीं। शंख भस्म जो है वो शंख भस्म भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये दीपन पाचन का कार्य विशेष विशेष करके आमाशय समुद्भव जो व्याधि है स्टमक रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वहां पे शंख भस्म काम करेगा। शुद्ध वत्सनाम जो है वो एंटी एंटी पायरेटिक करके उसकी एक्शन है, ज्वरग्न करके काम करेगा। और शुद्ध टंकण जो है उसका एंटीडोट है। शुद्ध वत्सनाम की वजह से कई बार पाल्पिटेशन या हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, उस समय ये टंकण अगर वसनाव अच्छी तरह से शुद्ध करके लिया तो उसके साथ में और टंकण हम उसको एंटीडोट तो जरूर देना ही है ताकि पाल्पिटेशन जैसे हाइपोटेंशन जैसे कंडीशंस डेवलप नहीं होंगी। तो एला तमालपत्र नाकेश्वर जो चतुर जाता है ये भी उष्ण विरियात्मक कंटेंट्स है, लेकिन इसका हमने उपयोग इसके लिए किया है कि ये दीपन पाचन साम पित्त का पाचन हम जो बोलते हैं या तेज महाभूताग्नि का पोषण वो करने के लिए हम लोग इस कंटेंट का उपयोग करेंगे। नाग केशर ये जो द्रव्य है अति उष्ण द्रव्य में उसका उपयोग किया जाता है। शुंठी मरीज पिपली दीपन पाचन के लिए हम लोग यूज करते हैं। बिल्व मज्जा है और कचोरो ये जो दो द्रव्य है, बिल्व मज्जा मतलब उस फल की जो मज्जा यूज की है वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में पिछिल मल प्रवृत्ति जैसी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन में या ग्रहणी जैसी व्याधि में इस बिल्व मज्जा का उपयोग होता है। और कचोरोग जो है वो मज्जा व श्रोतस या मज्जा धातु के पोषण के लिए उपयोग में आएगा। या ये वो पित्त धरा कला सायो मज्जा धरा कला, जब शरीर में पित्त का प्रमाण बढ़ता है उस समय मज्जा का क्षय होता है, और मज्जा का क्षय अगर हमको क्लियर करना है ठीक करना है ट्रीट करना है तो मज्जावर्धक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने शंख भस्म का भी उपयोग किया है और यहाँ पे कचोरोग का भी हमने उपयोजन किया है। उसके बाद जो सबसे लास्ट मछली जो बताया है वही शुद्ध दत्तुर बीज, दत्तुर बीज का शोधन करके गोदुग्धा में हमने जो शोधन करके उसको हम लोग उपयोग में लाएंगे। वो दत्तुर बीज जो है ये दत्तुर बीज एंटी अस्थमेटिक ब्रोंकोडायलेटर, जैसे कनकासव हम लोग श्वास व्याधि में उपयोग में लाते हैं उसी प्रकार से इस कल्प के योजन के लिए हम लोग दत्तुर बीज जैसे द्रव्यों का उपयोग करेंगे। दत्तुर बीज का दूसरा उपयोग यह है कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में सब पिच्छिल मल प्रवृत्ति है, पिच्छिल मल प्रवृत्ति है संग्रहणी जैसे व्याधि में धत्तुर बीज काम में आता है। इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन फॉर्मुलेशन, उस ओन फॉर्मुलेशन में अगर आप कोई ग्रहणी के ऊपर कोई ड्रग तैयार कर रहे हैं या फॉर्मुलेट कर रहे हैं उस समय हार्डली पूरे फॉर्मुलेशन के हार्डली 10% या 8 to 10% धत्तुर बीज आप आपके फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो भले इस कल्प को अम्ल पित्त जैसे उष्ण व्याधि में भी हमने अगर यूज में उपयोजन किया है तो भी इंडिविजुअल कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस कल्प को बहुत सारी व्याधियों में उसका उपयोजन कर सकते हैं। इसकी औषधि मात्रा जो बताई है वो 1 से 2 गुंजा तक बताई है, अनुपान करके हम लोग उसका घी में घी के साथ हम उसको काऊ घी के साथ हम उसका अनुपान उसको यूज कर सकते हैं। सेवन काल जैसे राजक्ष्म हरु साक्षात रसोई मातु सूत्र शेखर रहा तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि आप ये जो कल्प है वो एक मंडल मतलब नियर अबाउट 42 डेज तक दे सकते हैं। अगर आप ये खुद कल्प बनाते हैं 5-6 वैद्य बनके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज करके तो अच्छी तरह से बनाया कल्प, उसमें पज्जली यूज किए एज अ योगवाय द्रव्य करके
तो ये द्रव्यकल्प जो है वो नियर अबाउट 3 इयर्स तक ये उसका सवीर्यता कालावधि प्रिजर्वेशन उसका हो सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन में इसका एश वैल्यू, एसिड इन सोल्यूबल एश, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, जो पीजी के स्टूडेंट है उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इसके बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है या बेसिक उसके टेस्टिंग है, एनालिसिस है उस ड्रग के, ये अब एपीआई की गाइडलाइन के साथ मैच होने चाहिए। एश वैल्यू, एसिड इन सोल्यूबल एश, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव, उसके बाद उसमें कॉपर कितना है, मर्क्यूरी कितनी है, वो जैसे कि वैसे बेसिक एलिमेंट के स्वरूप में नहीं रहते, मूल द्रव्यों के हिसाब से नहीं रहते हैं, लेकिन वो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है जब हम उसके ऊपर भस्म वगैरह जो बनाते हैं उस समय। डिसइंटीग्रेशन टाइम, टैबलेट लेने के बाद में विद इन 15 to 20 मिनट्स दैट टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेट इन योर स्टमक विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हार्डनेस ऑफ द टैबलेट दैट शुड बी ऑल्सो टेस्टेड। ये बेसिक इन एनालिसिस होना चाहिए। अभी ये व्याधि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो गैस्ट्राइटिस, अम्ल पित्त जैसी व्याधि में, जो कई बार पेशेंट हम लोगों के पास रुग्ण आते हैं और बताते हैं बचपन से ही हम लोगों को कोई खाने में थोड़ी थोड़ा सा कोई चेंज होता है, या थोड़ा तीखा खाने में आता है, या कोई पित्तवर्धक आहार का सेवन होता है, या जैसे कई लोगों को बैंगन, बेसन, तुअर दाल, इस इनका इनका प्रमाण जिनके खाने में आता है, तुरंत ही उन लोगों को अम्ल पित्त जैसे, अम्लोद्गार जैसी लक्षण उत्पन्न होते, चेस बन होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, उस समय इस कल्प का हम लोगों को प्रयोजन करना चाहिए। भले कि हर एक चीज में हम लोगों को सुवर्ण भस्म कंटेंट रिलेटेड सुवर्ण सूचीकर यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल सूत शेखर रस जिसमें सुवर्ण विरहित हो, ऐसा सूत शेखर रस हम लोग 2 गुंजा मतलब 250 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में डीडी ट्वाइस डे एम्प्टी स्टमक भी दे सकते हैं, या आफ्टर आफ्टर फूड भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट मिलता है। अभी प्रकृति स्वरूप जो अम्ल पित्त व्याधि है उसमें अगर आपको मज्जा का वर्धन करना है, ऐसा नहीं है कि जिसकी जिसकी पित्त प्रकृति है उस हर एक व्यक्ति को अम्ल पित्त की व्याधि होती है, तो जो पित्त प्रकृति की व्यक्ति है, जो पित्त प्रकृति का पेशेंट है और जिसमें मज्जा सारत्व है, ऐसे व्यक्तियों में अम्ल पित्त जैसी व्याधि उन लोगों को सफर करनी नहीं पड़ती। तो इसके लिए अगर किसी भी पेशेंट को, अगर किसी माता को, अगर वो दौरूद में तीखा खाने की इच्छा उत्पन्न करते, कटु रसात्मक आहार सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसके दौरूद का शमन किस तरीके से करे ताकि आगे चल के वो जो गर्भ है या जो बालक है स्वतंत्र रूप में इस नेचर में आएगा, उसको ये आगे चल के उसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसको प्रवाल पंचामृत रस जैसे कल्प को माता को सबलिंगुअली चटाना चाहिए। प्रवाल मुक्ता फल शंख शुक्ति कपर्दिकानां च समांश भागम प्रवाल मत्रम द्विगुण प्रयजय सर्वै समांश रवि दुग्धम एव, ये उसके कंटेंट्स है। लेकिन इस प्रवाल पंचामृत के जो कंटेंट्स है वो मज्जावर्धक भी है, इसके लिए उस माता को प्रवाल पंचामृत रस 120 मिलीग्राम मतलब 1 गुंजा तक अगर हम लोग उसको सब लिम्बेली जबान के नीचे अगर हम सलाया में उसको चटा के देते हैं हनी के साथ में या शहद के या तो गोघृत के साथ में, तो उसके उस दौरूद का पोषण हो जाता है और उस बालक में ये व्याधि आगे चल के नहीं आए। दूसरी व्याधि है अतिसार में हम लोग इस सुवर्ण सूचक रस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जिसके कंटेंट्स वो दीपन पाचन करेंगे, शुंठी जैसा ग्राही कार्य करने वाला भी कंटेंट है, पिप्पली जैसे उसके कंटेंट है, उसके बाद में उसमें शंख भस्म है जो एब्डोमिनल पेन है वो कम करेगा, त्रिकटु जैसे द्रव्य है वो दीपन पाचन का कार्य करेंगे, सबसे बड़ी बात उसमें धतुर बीज है, शुद्ध के बाद धतुर बीज है, ये धतुर बीज की वजह से जो स्टिकी मोशन होता है वो भी कम हो जाता है। गुल्म जैसी व्याधि में फ्लैटुलेंस जो है पेट में, आधवान जैसी व्याधि है, गुब्बारा जैसे पेशेंट बोलता है कि वो फ्लैटुलेंस से ढकार आती है, तभी बेल्चिंग के बाद में ही फिर ये ढकार आने के बाद में फिर ये शमन होता है, तो ऐसे व्याधि में इसमें शंख भस्म कंटेंट है, ताम्र भस्म कंटेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ये सुवर्ण सूचक रस हम लोग दे सकते हैं। टाइफॉइड का अगर आपके पास पेशेंट रहता है, आंतरिक ज्वर का अगर आपके पास पेशेंट रहता है, तो आफ्टर गिविंग एनी कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कई बार जनरल प्रैक्टिशनर है वो एंटीबायोटिक कोर्स, ओफ्लोक्सासिन या ऐसे कई सेफिक्साइम जैसे कई ड्रग्स है एंटीबायोटिक्स, वो देने के बाद में भी टाइफॉइड के बाद में भी ड्राई कफिंग का लक्षण पेशेंट में दिखाई देता है, कफिंग आगे चल के एंटीबायोटिक कोर्स होने के बाद में भी
दस दस 15 15 दिन तक कफिंग चालू रहता है। तो उस कंडीशन में, उस कास की कंडीशन में, इवन शुष्क कास की कंडीशन में भी हम लोग सुवर्ण सूचिका रस या सादा सूचिका रस भी 250 मिलीग्राम की 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार या 3 बार देते तो भी ये कास लक्षण का समझ आप करके देखे। उसके बाद ग्रहणी, ग्रहणी जैसे व्याधि में भी, स्टिकी मोशन में भी हम लोग संग्रहणी जैसे व्याधि में भी इस कल्प को देंगे, क्योंकि उसमें धतुर भी जाए शंख भस्म है इसकी वजह से। और कज्जली जैसा जो योग वायु द्रव्य कैटलिस्ट, कॉमन कैटलिस्ट है, वो भी यहाँ पे बाकी के इंग्रेडिएंट्स को सूक्ष्मातु सूक्ष्म स्रोतोगामित्व और इंटेस्टाइन के सूक्ष्म स्रोतों में भी, अन्न स्रोत के सूक्ष्म स्रोतों तक भी ये लेके जाएगा। इसके लिए सुवर्ण सूचक रस का हम उपयोजन करना चाहिए। वापस त्रिकटु है, उसके बाद में उसमें धतुर बीज है, इसकी वजह से श्वास जैसी व्याधि में भी ये ड्रग काम में आएगा। श्वास श्वास जैसे व्याधि में हम लोग अस्थमेटिक पेशेंट में भी हम लोग इस सुवर्ण सूचक रस को दे सकते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में हम लोग हमारे प्रैक्टिस में इसका उपयोजन करते हैं और उसमें इसमें बहुत अच्छी तरह से लाभ मिलता है। अग्निमांद्य तो हर एक व्याधि का मूल कारण है, अग्निमांद्य दूर करने के लिए इसके जो दीपन पाचन के कंटेंट्स है वो यहाँ पे काम में आएंगे। हिकप्स जो रहते हैं जहाँ पे कास है, कई बार उसमें हिकप भी दिखाई देते हैं, तो हिकप के लिए वातानुलोमन करने वाले, आत्मान को दूर करने वाले इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, इस कल्प के इंग्रेडिएंट्स है। इसके लिए हिक्का में भी, हिकप्स में भी ये कल्प काम में आएगा। उदावर्त, आदमान, आनाह, आटोप, गुल्म, उदावर्त ऐसी व्याधि जो अन्नवसुत के क्रम से होने वाली व्याधियां है, या इंटेस्टाइन में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है मल की वजह से, उसको दूर करने के लिए जो हम लोग कंटेंट्स यूज करते हैं, उसके बहुत सारे कंटेंट्स सुवर्ण सूचक रस में है। लेकिन सुवर्ण सूचक रस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सादा सूचक रस दिया तो भी चलेगा, सुवर्ण ग्रहित सूचक रस का उपयोजन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में हम शंख भस्म कंटेंट, ये शंख वटी का भी इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग दे सकते हैं, या इवन प्रवाल पंचामृत रस और सूत शेखर रस, ये कॉम्बिनेशन भी हम लोग देते हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स इस व्याधि में मिलते हैं। आंतरिक ज्वर के बारे में, एंट्रिक फीवर के बारे में मैंने आपको बताया। टाइफाइड के पेशेंट में आपको अगर एंटीबायोटिक देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप सूत शेखर रस उसके साथ जरूर शुरू करें, ताकि आगे के एंटीबायोटिक्स और उस व्याधि के उपद्रव स्वरूप जो होने वाला कास है उसमें ये सूत शेखर रस बहुत अच्छी तरह से काम करे। अभी इस ड्रग के प्रमाण अगर उसकी औषधि मात्रा ज्यादा हुई तो क्या हो सकता है, तो इट क्रिएट्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कौन सी डिसऑर्डर, ब्लीडिंग एनोरेक्टल ब्लीडिंग कर सकता है, क्योंकि सुवर्ण भस्म जो उसमें यूज किया है, तांबर उसमें यूज जो किया है, ये दोनों अति उष्ण विरियात्मक द्रव्य है। तो इसके लिए इनका प्रमाण या कौन सी कंडीशन में देना चाहिए, या पेशेंट को आपको हिस्ट्री में पूछना चाहिए कि बाबा आपको इसके पहले कभी एनोरेक्टल ब्लीडिंग जैसे कोई कंप्लेंट या कोई तकलीफ आपको हुई थी क्या, तो उस कंडीशन में आपको इस औषधि द्रव्य की मात्रा कम रखनी है। बट यू कैन यूज दिस ड्रग सुवर्ण विरहित सूत शेखर रस। सूत शेखर रस का जो मूल जो आप मार्केट में आपको मिलेगा वो सुवर्ण सूत शेखर रस में सुवर्ण भस्म की मात्रा बाकी के इंग्रेडिएंट के हिसाब से रहते हैं, उसका उतना महंगा कॉस्टली भी ड्रग है वो। उसके बाद है राजयक्ष्मा, लेकिन राजयक्ष्मा के बारे में आप ये ध्यान में रखें कि आपको इंटेस्टाइनल कोष्ठक यक्ष्मा में ही उसको यूज करना है, ना कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। कोष्ठक यक्ष्मा में इस कल्प को हमको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, कितना दिन तक दे सकते, तो 1 मंडल 42 डेज तक हम लोग दे सकते। अभी हम लोगों ने बात की सुवर्ण सूचक रस के बारे में, उसके हिसाब से दूसरा जो प्रैक्टिस में यूज किया जाना कल्प है वही चंद्रप्रभावटी। उस चंद्रप्रभावटी के जो पाठ है उसमें आपको एक सर्व रोग प्रणाशिनी करके उसमें आपको एक उल्लेख मिलेगा। लास्ट लाइन में आप इस कोटेशन के आप चंद्रप्रभावटी विख्याता सर्व रोग प्रणाशिनी, यह ऐसा यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, तो इसके मेंशन करने का कारण एक ही है कि सर्व रोग प्रणाशिनी सप्त धातु में सबसे लास्ट धातु जो है वो शुक्र धातु है, या जहां तक इस श्रोतस तक ये पहुंच सकता है, धातु गतत्व इसका जहां पे मिल सकता है वो शुक्र व श्रोतस है। इसके लिए इस कल्प का उपयोजन हम लोगों को प्रैक्टिस में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और प्रमेह जैसी व्याधि में उसका उल्लेख है,
अभी प्रमेय के कौन से ब्लड शुगर फास्टिंग या HbA1c कौन से कंडीशन में यहाँ पे प्रैक्टिस में इसका हम लोग पाते हैं उसके बारे में हमको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचेंगे। चंद्र प्रभा एक 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 चीज रह गई, जस्ट अ मिनट। सुवर्ण सूत शिखर, उसको सूत शिखर क्यों कहेंगे? तो सूत का मतलब होता है पारद, पारद जिसके शिखर पे है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो योग वायु है वो जिसके शिखर के ऊपर है उसको हम सूत शिखर रस करेंगे। ये बहुव्रीहि समास में उसका वो नामाभिधान किया है। वैसे ही चंद्र प्रभा वटी के बारे में भी, चंद्र प्रभा उसका मेन फर्स्ट सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। चंद्र प्रभा का मतलब होता है प्रचुर। उसके बाद चंद्र प्रभा वचा मुस्तम भूनिम्बा अमृत दारुकम हरिद्रा अति विषादार विपली मूल चित्र गौ धान्यकम त्रिफलाचव्यम विडंगम गज विपली व्योषमाक्षिक धातुश दौ क्षारौ लवण त्रयम एतानि शाण मात्राणि प्रत्येकं कारय बुधा त्रिवृत दंति पत्रं त्वगेला वंश रोचना प्रत्येकं कर्ष मात्राणि कुरिया देतानि बुद्धिमान द्विकर्षम हतलोहम। हतलोह मतलब लोह भस्म, लोह भस्म कांत लोह भस्म। सात चतुष्कर्ष सीता भवे शिलाजत्वादिक अष्टौ कर्षश्च गुगुलु एभिर एकत्र शमशुन्न हि कर्तव्या गुटिका शुभा चंद्र प्रभेति विख्याता सर्व रोग प्रणाशिनी। सब प्रकार की व्याधियों में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमें स्पेसिफिक बात करने की जरूरत है। प्रमेहान विंशति कृच्छम, सभी प्रकार के प्रमेह जो बताए हैं वो सभी प्रकार के डायबिटिक पेशेंट में हम लोग इस व्याधि को यूज करेंगे। हालांकि डायबिटीज मतलब प्रमेह ने, प्रमेह में कफज वातज पित्तज तीनों प्रकार के अलग अलग प्रकार डायबिटीज इंसिपिडस से लेके डायबिटीज मेलाइटस तक, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस तक सभी प्रकार के प्रमेह के जो अलग अलग प्रकार है दोषों के हिसाब से उसमें हम लोग चंद्र प्रभा वटी का उपयोजन कर सकते हैं। मूत्राघातम तथा स्मरिम, मतलब मूत्राघातम तथा स्मरिम मतलब जहां पे यूरिनरी सिस्टम के उसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिनरी कैलकुलस रेनल कैलकुलस है, इन सभी प्रकार के मूत्र कृच्छता है सभी जगह, उस सभी जगह पे ये चंद्र प्रभा का हम उपयोजन करें। विबंध अनाह सुलानी, अभी उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में हम पहले देखते हैं, उसके बाद में उसका इंडिकेशन देखेंगे। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। अभी इसमें कपूर सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिखा है, कई लोग इसमें कपूर का उपयोजन करते हैं, लेकिन ग्रंथ के पाठ के हिसाब से इसमें कचूर का उपयोजन करना चाहिए ना कि कपूर का। वचा वेखंड नाग केशर भूनिम्ब चिरायता देवदारु ये वातनाशक द्रव्य हरिद्रा। अगर इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन फॉर्मुलेशन फॉर डायबिटीज तो आप एक काम कर सकते, एक रसायन द्रव्य लेना चाहिए वह है अमल की। अष्टंग हृदय का एक रेफरेंस है, उसको धात्री निशा योग करके कहा है अमल के चूर्ण को। हरिद्रा सूरस की तीन भावना है, दारु हरिद्रा के क्वाद की तीन भावना है और अम्र हरिद्रा की सूरस की तीन भावना। इस प्रकार से आप टोटल 9 भावना पूरी करें अमल के चूर्ण को और उसके आप अगर गुटी बनाते हैं तो वो भी एंटी डायबिटिक ड्रग करके अच्छी तरह से, हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट करके अच्छी तरह से काम करेगा। अभी हम जो हमारे ओन फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, अगर इस सब कल्पों की अगर हम मोड़ तोड़ करेंगे उसमें से स्पेसिफिक कौन सा भी इंग्रेडिएंट कौन से व्याधि के ऊपर काम करेगा, कौन से कंडीशन के ऊपर काम करेगा, इसके बारे में सोच के भी हम लोग इस कल्पों का उपयोग कर सकते हैं। अतिविषा, अतिविषा ये बालातिसार में भी यूज किया जाता है, महंगा ड्रग है। चबाल चतुर्भद्र के इंग्रेडिएंट्स में भी अतिविषा का उपयोजन किया जाता है। हरिद्रा दारु हरिद्रा आम्र हरिद्रा, ये भी दारु हरिद्रा जो है वो हम लोग उस आर्द्र द्रव्य में वो नहीं मिलेगी आपको, काष्ठ स्वरूप में मिलेगी, लेकिन इसका क्वाथ हम एक अष्टमोष क्वाथ बना के भावना द्रव्य करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आपके ओन फॉर्मुलेशन में, और इसमें तो इट्स अ इंग्रेडिएंट ऑफ दिस फॉर्मुलेशन। पिप्पली मूल, पिप्पली मूल की एक खासियत ये है कि जैसे पिप्पली हम दीपन पाचन के लिए यूज करते हैं वैसे पिप्पली मूल ये ज्वरग्न कार्य करने वाला इंग्रेडिएंट है। एंटीपायरेटिक एक्शन, यूटीआई के पेशेंट के लिए, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट के लिए ये इट इज अ वेरी यूजफुल। चित्रक मूल चित्रोदीपन पाचन धान्य, इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट बर्निंग मिक्चुरेशन, मूत्रदाह जैसा कोई अगर लक्षण है तो ऐसे मूत्रदाह के लक्षण के हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया ये हम दोनों पीस के आधा ग्लास पानी में भिगो के रखेंगे। सूख होने के बाद में 2 घंटे बाद उस पानी अगर पिलाने के लिए देते हैं तो मूत्रदाह ये स्पेसिफिक लक्षण कम हो जाता है। यहाँ पे भी उसी तरीके से इसका इंग्रेडिएंट है। तो चंद्र प्रभा वटी हम लोग यूज करते समय मूत्रदाह जिस पेशेंट में है या UTI जिस पेशेंट में डेवलप हुआ है वहां पे भी हम लोग इस कल्प का उपयोजन कर सकते हैं। हरित की,
हरित की ये जो है ये रसायन द्रव्य भी है, हरित की अनुलोमक द्रव्य भी है, हरित की विभेदक और अमल की त्रिफला, तीनों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आए हैं। चव्यक, विडंग, विडंग तो एंटी हेलमेंटिक क्रूमिंग न करके द्रव्य है। गज पिपली यहाँ पे, पिंपली जिसको हम कहते हैं, शुंठी है, मरीच है, पिपली, त्रिकटु यहाँ पे आ गया, मतलब त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद में से विडंग और मरीच, ये दो ड्रग्स यहाँ पे आ गए। सबसे पहले इस कल्प के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ इसमें हम लोगों ने सुवर्ण माक्षिक भस्म का उपयोजन किया, जो पित्त शामक भी द्रव्य है, और हिमाटिनिक करके, मतलब पांडुरोग जैसी किसी के शरीर में संप्राप्ति हो रही है या एनीमिक पेशेंट में ये सुवर्ण माक्षिक भस्म यहाँ पे काम में आएगा। उसके बाद ये चतुर लवण है, सैंधव है, सौवर्ष लवण है, बीड लवण है, सज्जिक क्षार है, यवक क्षार है। सज्जिक क्षार यवक क्षार जो इंग्रेडिएंट्स है वो लेखन का काम करेंगे, तो इसका मतलब लेखन अगर ये इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओबेसिटी के जो पेशेंट है या जिसमें हाइपरलिपिडीमिया जिसमें दिखाई देता है उसमें भी ये कल्प हम लोगों को यूज में आएगा। त्रिवृत्त निशोत्तर, निशोत्तर ये इंग्रेडिएंट्स है जिस जिस कल्प में हम लोगों ने लोह भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए है, कांतलोह भस्म, वहां पे उसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है या उसके एडीआर ये रहता है कि इट क्रिएट्स कॉन्स्टिपेशन। तो जहां पे कॉन्स्टिपेशन किसी ड्रग की वजह से, उसके इंग्रेडिएंट की वजह से होने के चांसेस है, वहां पे उसमें विरेचक द्रव्य या सौम्य रेचक द्रव्यों का उपयोजन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस कल्प में त्रिफला का चूर्ण है और ये निशोत्तर भी और दंती दंती मूल के इंग्रेडिएंट, ये भी इंग्रेडिएंट है, ये रेचक द्रव्य है। तो इन द्रव्यों इन कल्पों की रचना इस तरीके से की है कि उससे कोई होने वाला प्रॉब्लम को इनहिबिट करने के लिए या उसकी किसी कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करने के लिए उसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे काम करेंगे। तेज पत्र, तमाल पत्र, दालचीनी, इला, मतलब यहाँ पे तो इला, तमाल पत्र, ये भी इंग्रेडिएंट्स आ गए, चतुर्जात आ गया है। कांतलोह भस्म आप देखेंगे इस पीपीटी में। उसके बाद खड़ी शक्कर इसमें बहुत कम मात्रा में बताइए, लेकिन बताइए, कई बार ऐसे होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, क्योंकि ये प्रमेह का कल्प है, उस व्याधि के अधिकार ने उसको मेंशन किया है, तो सबसे पहले इस व्याधि को ट्रीट करने के लिए इसी कल्प का सबसे पहला अधिकार है। तो खड़ी शक्कर या सीता हम जिसको कहते हैं या सीतोपला कहते हैं, वो सीतोपला क्या है? तो सीतोपला आप बोलेंगे कि यहाँ पे मधुरासात्मक द्रव्य का उपयोजन किया है। तो सबसे पहली बात ये रहती है कि डायबिटिक पेशेंट में कई बार हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन वाइज डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इस